हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 3, फंक्शंस का। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वन वन, मेनी वन, ऑन टू और इन टू। उसमें हम लोग देखे थे कि दिया गया फंक्शन को हम लोग वन वन, मेनी वन, ऑन टू और इन टू कब बोलेंगे, और उसको हम लोग टेस्ट करने का तरीका भी हम लोग देखे हुए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दिए गए फंक्शन को और हम लोग चेक करते हैं। दूसरा जो मेथड है वह है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के द्वारा भी हम दिए गए फंक्शंस को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वन वन है या मेनी वन। इसके लिए क्या करना है, दिया गया जो फंक्शन है उसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। क्या करना है, जो दिया गया फंक्शन होगा उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और वह ग्राफ, जो ग्राफ खींचा हुआ है उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन खींचा जाए। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए और वह उस कर्व को, उस जो ग्राफ है उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करे, क्या बोल रहे, ध्यान सुनिएगा, यदि कोई दिया गया कर्व है, यदि उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचा जाए और वह एक्स एक्सिस के अलोंग जो पैरेलल लाइन खींचा गया है उस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे यदि कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तब वह फंक्शन को होगा वन वन फंक्शन। यदि वह पैरेलल जो खींचा गया लाइन है वह उस कर्व को एक से अधिक जगह पर यदि काटेगा तो मेरा हो जाएगा क्या चीज़, मेनी वन फंक्शन होगा। जैसे हम लोग एक फंक्शन यदि लें, वाई बराबर एक मॉड एक्स फंक्शन है, हम लोग जान रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाइएगा तो कुछ इस तरह से होगा। हम लोग जान रहे हैं बहुत अच्छे से, आप लोग पढ़े भी होंगे। यदि हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचे, देखिए इस कर्व को एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, एक से अधिक पॉइंट पे कट किया, तो ये मेरा जो फंक्शन है कैसा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन होगा। यदि आप उसको वेरीफाई दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, यदि एक्स के यहाँ पर हम रख दे वन तो वाई बराबर कितना होगा, वन। एक्स यहाँ पर रख दे माइनस वन तो भी वाई बराबर कितना होगा, वन। मतलब वन और माइनस वन दोनों का सेम इमेज बन रहा है, सेम इमेज बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है, दोनों का सेम इमेज, वन और माइनस वन दोनों का सेम इमेज बन रहा है, कितना, वन। मतलब उस केस में बोला गया था कि क्या होता है, सेट ए का जो एलिमेंट है सेट बी के साथ यदि यूनिकली एसोसिएट हो, जुड़ा हुआ हो, तब उसको बोले थे, मतलब सिंगल एलिमेंट का, मतलब दिया गया सेट ए में जितना एलिमेंट है उसका जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज मिले तो उसको बोले थे वन वन। तो यहाँ देखिए माइनस वन का भी इमेज बन रहा है वन, और वन का भी बन रहा है वन। तो इस केस में ये जो कर्व, जो मेरा ये जो फंक्शन है मेरा क्या होगा, मेनी वन होगा। इस तरह से हम लोग जो है चेक कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से कि वह वन वन है या मेनी वन। सिंपल, जो कर्व दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की उसको ड्रॉ करेंगे कर्व को, और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि उस कर्व को एक से अधिक पॉइंट पे यदि कट किया तो हो जाएगा मेनी वन, यदि सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो होगा वन वन। जैसे एक फंक्शन ले ऐसा वाई बराबर एक्स, तो ये कुछ इस तरह से होगा। यदि हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचे, इस कर्व को एक ही जगह कट किया, फिर खींचे देखी जाए कट किया, फिर खींचे देखी जाए कट किया, फिर खींचे देखी जाए कट किया, मतलब ये जो फंक्शन हुआ कैसा फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन है, क्योंकि वह एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि हमको लाइन खींच रहे उस कर्व को सिर्फ एक ही जगह वह काट रहा है तो हो जाएगा वन वन। दूसरा तरीका है, दूसरा क्या है, मेनी वन और सॉरी ऑन टू और इन टू को देखने के लिए तो क्या करना है, यदि हम लोग दिया गया कोई फंक्शन है ए बी, फंक्शन है कहाँ, ए से बी की ओर गया है, और यदि वो फंक्शन को लो क्या, यदि उसको ऑन टू कब बोलेंगे, यदि जो डोमेन, ये मेरा क्या है, डोमेन है, ए मेरा क्या है, कोडोमेन है, जो जितना भी कोडोमेन है उसका सभी एलिमेंट का यदि हम लोग को प्री इमेज मिल जाए, कोडोमेन में जितना एलिमेंट है उसका सभी का प्री इमेज यदि मिल जाए
तब उसको बोलेंगे हम लोग ऑन्टो। यदि कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, कोई एक भी ऐसा एलिमेंट जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं बन रहा है, मतलब कोई सेट बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट भी हम लोग को मिल जाए जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं बन रहा है, मतलब वो ऑन्टो नहीं बल्कि क्या हो जाएगा वह इनटू। यदि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग ऑन्टू बोलेंगे, यदि नहीं मिलेगा तो बोलेंगे उसको इनटू। तो एक तरीका ये भी हम लोग को चेक करने का तरीका था। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए उसी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं। यदि लिखा हुआ एफ फंक्शन है कहाँ, रियल से रियल, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, रियल है मतलब ए रियल है ए भी रियल है, मतलब इसमें जो होगा बहुत सारा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह बहुत सारा एलिमेंट आगे इसमें होगा। रियल इसमें भी है तो इसमें होगा माइनस टू इसके आगे भी है, फिर होगा जीरो, फिर वन टू थ्री, इसके बीच वाला भी एलिमेंट है। इससे हम लोग इसके रियल बोला जा रहा है, मतलब इसके बीच का एलिमेंट भी है। जैसे मान के चलिए इधर ले लिए माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू इधर लिए हैं, तो इसके बीच में बहुत सारा नंबर है, वो सब क्या होगा रियल नंबर होगा। तो क्या है देखिए, ये फंक्शन हमको यदि चेक करना है कि वन वन है या मेनी वन है, तो आप देख सकते हैं यदि एक्स यहाँ पर हम लोग वन रखेंगे तो क्या होगा वह इसका इमेज वन होगा, माइनस वन रखेंगे तो वन होगा, वन रखेंगे तो क्या होगा वन होगा। देखिए दो एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा मेनी वन, ये क्या हो गया मेनी वन। यदि इसको हमको ऑन टू चेक करना है कि ऑन टू है या इन टू है, तो क्या हमको ये चेक करना है कि जो कोडोमेन मेरा ये जो रियल नंबर है उसका सभी एलिमेंट का क्या ये इधर इमेज प्री इमेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि इसको हम ले लें वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा रूट अंडर वाई, मतलब ए वाई मेरा कहाँ बिलोंग करेगा, ये मेरा कहाँ बिलोंग करेगा इधर कोडोमेन में। यदि कोडोमेन से कोई भी नंबर लेने पर वो यदि रियल नंबर डोमेन में आ जाएगा तब क्या बोलेंगे वह ऑन टू है। तो क्या यदि हम लेते लीजिए पुट वाई बराबर माइनस वन, वाई बराबर माइनस वन, क्योंकि ये वाई जो है माइनस वन क्या है इस रियल नंबर का है। यदि यहाँ पे रियल नंबर लिए हैं एक्स बराबर यदि वाई बराबर लेंगे माइनस वन, तो क्या होगा आई आ गया, मतलब इमेजिनरी। क्या ये रियल नंबर में इमेजिनरी आता है, क्या माइनस वन का माइनस वन जो एलिमेंट इधर लिए हम लोग कोडोमेन से उसका कोई भी प्री इमेज बना नहीं बना, इसका मतलब क्या है ऑन टू नहीं है, मतलब क्या है या इन टू है, इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अब इसके बारे में देखिए, यदि ए सेट है, ये भी एक सेट है माइनस टू माइनस वन फिर है जीरो वन टू थ्री, इधर बहुत सारा एलिमेंट है। यदि यहाँ क्या फिर रियल पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर बोलते हैं रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब वन टू थ्री फोर इस तरह आगे हम लोग बढ़ गए। तो इस तरह से आप देखिए उसको हमको चेक करना है कि वह क्या है आपका जो है वन वन है या वन टू है या नहीं। अब देखिए यदि हम लोग ले लें माइनस वन का इमेज क्या होगा, माइनस वन का वन होगा, वन का भी क्या होगा वन होगा। देखिए तो साफ हो गया क्या है वह मेनी वन है। दूसरा चेक करना है यदि वन टू है या नहीं, तो क्या इधर का जितना सारा एलिमेंट है, इधर जो जितना भी सारा एलिमेंट है पॉजिटिव रियल नंबर का, क्या प्री इमेज मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको चेक करना है। यदि हम है लेट करते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या होगा रूट अंडर वाई, तो वाई जहाँ पर जो भी पुट किए पॉजिटिव रियल नंबर से कोई भी नंबर यदि पुट कीजिएगा इसमें, तो क्या एक्स का वैल्यू रियल आएगा या नहीं आएगा, मतलब वाई का इस पॉजिटिव रियल जो वाई कहाँ बिलोंग करेगा कोडोमेन में, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है तो इस डोमेन में। तो कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट लीजिए तो क्या हुआ डोमेन में आएगा नहीं आएगा, हर एक कोई भी यहाँ से आप एलिमेंट लीजिएगा उसका प्री इमेज मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, मतलब ये मेरा कैसा हो जाएगा या वन टू हो जाएगा। फिर वही चीज़ देखिए, यहाँ पे रियल नंबर था तो ये ऑन टू नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर ले लिए तो क्या हो गया ऑन टू हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा जो होगा फंक्शन उसको चेक कर सकते हैं, वन वन है मेनी वन है क्या है, सो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ हम पॉइंट लिखे हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह के लिए। क्या बोलता है, लेट ए एंड बी बी
नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। मान लीजिए ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी क्या है फाइनाइट सेट है, और एक फंक्शन डिफाइन किया गया कहाँ से, ए से बी की ओर, तो क्या है एन इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन। वन वन फंक्शन कब होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लेस देन और इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मतलब क्या, ए का ए में जो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वह बी के एलिमेंट से बराबर होगा तो उससे कम होगा। नंबर क्या है, सर्जेक्शन। सर्जेक्शन मतलब क्या होता था, तो ऑन टू। तो क्या ऑन टू कब होगा, जब दिया गया फंक्शन में डोमेन में जितना एलिमेंट होगा वो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा किसके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन, मतलब एन ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बी। बाइजेक्शन के लिए, बाइजेक्शन क्या था, ए वन वन ऑन टू था, मतलब वैसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको हम बोले थे वन वन ऑन टू, अतो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उसमें कब होगा, जब एन ए और एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बोथ आर इक्वल, देन होगा बाइजेक्शन। अब देखिए बोलता है इफ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी क्या है दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें कंटेनिंग एम एंड एन एलिमेंट्स, जो है सेट ए में एम एलिमेंट है एंड सेट बी में कितना एलिमेंट है एन, तो ये लिखे एन ए बराबर एम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज एन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हम लोग जानते हैं, ए क्रॉस बी यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, इन दोनों को गुणा करके देंगे उतना एलिमेंट होगा। हम जानते हैं नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी, यदि ए से बी में, मतलब हम लोग कितना रिलेशन बनता था, हम लोग देखे थे कि नंबर ऑफ रिलेशन सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, उस ए क्रॉस बी में जितना सबसेट होगा तो होता था टू का पावर एम इन टू एन। और ये भी देखे थे नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी, यदि हम लोग फंक्शन देखना है ए से बी में कितना फंक्शन बनेगा तो होगा एन का पावर एम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए रेस टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो इस कुछ पॉइंट्स थे, इसको आपको याद रखने हैं कि यदि इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो हम लोग उससे बना लें। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सी सिन्हा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सी सिन्हा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी क्वेश्चन बेहद आसान, जितना हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए उसका जो पहला जो क्वेश्चन बोलता है एक कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। बी एक कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 एंड एक फंक्शन एफ डिफाइंड किया गया है, उसमें दिया गया फंक्शन कितना 1, 4 फिर है 2, 5, 3, 6 इस तरह दिया गया है। तो हमको बताना है, शो करना है कि ये जो फंक्शन जो है जो लिखा गया है वह मेरा कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन है, इसको आप इसे भी देख सकते हैं कि इसमें जो है ए 1, 2, 3, बी एक सेट है, यहाँ एफ फंक्शन डिफाइंड किया गया है, इसमें 4, 5, 6, 7। अब देखिए एफ जो है फंक्शन कहाँ से कहाँ है, 1 से 4 है, 2, 5 है, 3, 6 है। मतलब हम जो सेट ए का यदि 1 लेंगे तो उसका इमेज क्या बनेगा, तो 4 बनेगा, 2 का इमेज क्या बनेगा, 5 बनेगा, 3 का इमेज क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या ये जो हम लोग को जो फंक्शन दिया गया है, 1 का इमेज क्या बना 4, 2 का बना 5, 3 का बना 6, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट, क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। मतलब क्या होगा, ए के अलग अलग एलिमेंट का क्या बना, तो सेट बी में अलग अलग इमेज बना, तो क्या होगा 1-1। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन
सेट बी देयरफॉर क्या होगा, एफ इज वन वन। यही तो हम लोग को वन वन के लिए दिखाना था, हम जो डेफिनेशन पढ़े थे कि क्या जो है सेट ए का अलग अलग एलिमेंट का क्या मिल जाए, अलग अलग इमेज यदि मिल जाए यूनिकली, तो मेरा क्या था वन वन था। दूसरा क्वेश्चन इसी में बोला है क्या चीज़, एफ एक फंक्शन है, दूसरा बोला है एफ एक फंक्शन है, कहाँ से है तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एन टू एन है, और डिफाइंड किया गया है एक फंक्शन क्या है एफ एक्स बराबर है टू एक्स, तो शो करना है एफ इज वन वन बट नॉट वन टू। ये क्या है वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब इसको देखने के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एक फंक्शन में तो क्या है इसको यदि हम लोग वाई बराबर टू एक्स मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट है, इधर भी क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, एक फंक्शन यहाँ से यहाँ मेरा आया है, और नेचुरल नंबर हम जानते हैं कहाँ शुरू होता है, वन टू थ्री फोर इधर आगे गया है, वन टू थ्री इधर आगे गया है। यदि हम लोग एन एक्स यहाँ पर वन लें तो एक्स यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर टू बनेगा, टू लेंगे तो क्या होगा फोर होगा, थ्री लेंगे तो क्या होगा सिक्स होगा। मतलब देखिए आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एन, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो एन नेचुरल नंबर जो इधर जो डोमेन में है उसके अलग अलग एलिमेंट का क्या बन रहा है, अलग अलग इमेज बन रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा वन वन। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर हो गया एफ इज वन वन, ये हो गया एफ मेरा क्या हो गया वन वन हो गया। इसी प्रकार आप जो है दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। हाँ तो इस फंक्शन को जो है वन वन प्रूव करने का एक और तरीका हम लोग देखे हुए थे, क्या करते हैं लेट लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब किस में डोमेन, क्या डोमेन से एक्स वन एक्स टू दो एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया है तो क्या करना है, तो एफ एक्स वन बराबर यदि एफ एक्स टू हम लोग माना तो क्या होना चाहिए एफ एक्स वन, अब ये दोनों लिए हैं बराबर तो एक्स वन और एक्स टू दोनों भी यदि बराबर हो जाए तो एफ एक्स वन कितना हो जाएगा, टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू, टू टू विल कैंसल, तो मेरा हो गया एक्स वन बराबर एक्स टू, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ इज वन वन। तो एक तरीका हो गया, इधर हम लोग एलिमेंट से देख लिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी, तो देयरफॉर क्या बोले एफ इज क्या हो गया वन वन। तो एक तरीका ये भी हो गया वन वन दिखाने के लिए। अब दूसरा हम लोग को देखना है इसी में जो है ऑन टू, कि वह फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ भी आप बहुत आसानी से कि क्या डोमेन रेंज एंड को डोमेन क्या बराबर है। हम लोग बोले थे एक तरीका था कि रेंज एंड को डोमेन यदि बराबर हो जाए तो वह दिया गया फंक्शन क्या होगा, तो मेरा जो है ऑन टू होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वन मेरा छूट गया है, थ्री छूट गया है, और आगे कुछ कुछ एलिमेंट छूट गए हैं, तो यहाँ आप आसानी लिख सकते हैं रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट क्या हो जाएगा वो ऑन टू, एफ जो है ऑन टू नहीं होगा। या तो फिर इसको लिख सकते हैं लेट कर लीजिए वाई बिलोंग्स टू एन, हम लोग मान लीजिए कि जो है वाई जो कहाँ बिलोंग कर रहा है किस में, तो एन में बिलोंग कर रहा है, और वो जो बिलोंग करेगा किससे तो हम लोग बिलोंग कर रहा है किस में, एन वाई किस में बिलोंग कर रहा है को डोमेन में, को डोमेन में बिलोंग करेगा। अब यहाँ से लीजिए वाई बराबर एफ एक्स हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से वाई बाय टू, तो को डोमेन से कोई भी एक एलिमेंट लीजिए तो को डोमेन मेरा जो एलिमेंट है वो किसका है, तो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर से कोई भी एलिमेंट आप वाई बराबर लीजिए। यदि लेकिन यदि लेट सोचिए लेट कीजिए वाई बराबर यदि वन लीजिएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा वन बाय टू, और दिस इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, वन बाय टू मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। कोई एक एलिमेंट लिए जो क्या हुआ को डोमेन से, तो वह जो आना चाहिए किस में डोमेन में आना चाहिए, तो मेरा आ गया वन बाय टू जो डोमेन में नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा एफ इज नॉट ऑन टू। तो इस तरह हम दो तरीके दो दो तरीके से देख सकते हैं, एक जो होगा इस तरह से करके आ तो इस तरह बनाइए वन वन के लिए, आ तो फिर जो है रेंज एंड को डोमेन को देखिए आ तो इस तरह से लीजिए, आपको दोनों का दोनों तरीका जो है सही है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है इसी का थ्री, वो भी क्वेश्चन इसी प्रकार से है,
बोलता है एफ कोई फंक्शन है जो रियल से रियल है। अभी ये सब क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डील किया हुआ था एग्जांपल के थ्रू, जैसे है एफ कोई फंक्शन है रियल टू रियल और एफ एक्स डिफाइंड किया गया है एक्स स्क्वायर, तो बोलता है इज वन वन, इज वन टू वन, क्या ये दिया गया जो फंक्शन एफ है ये वन वन है या नहीं है। तो आप बहुत देख सकते हैं यदि रियल नंबर का कोई एक सेट है, इधर भी रियल नंबर का कोई एक सेट लिए और रियल नंबर में मेरा जो है ले लेते हैं इधर माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, इधर भी हम ले लें माइनस वन जीरो वन टू थ्री इस तरह से। यदि अरे एक फंक्शन डिफाइन क्या क्या गया है रियल नंबर से, तो रियल नंबर यदि आप लीजिएगा माइनस वन तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा वन। देखिए इमेज क्या हुआ, माइनस वन का वन आया, वन क्या क्या आया तो वन का भी क्या है वन, मतलब दो एलिमेंट का सेम इमेज आया, मतलब दो एलिमेंट का जो चक्कर चल रहा है वह एक ही एलिमेंट से चक्कर चल रहा है, मतलब दो एलिमेंट का चक्कर एक ही एलिमेंट से चक्कर चल रहा है। वन वन का मतलब होता है एक आदमी का चक्कर एक ही आदमी से चलेगा, मतलब एक एलिमेंट का चक्कर एक ही एलिमेंट से चक्कर चलेगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का चक्कर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ चलेगा तब उसको बोलेंगे हम लोग वन वन। यहाँ देखिए दो एलिमेंट है, माइनस वन का भी चक्कर चल रहा है वन के साथ और वन का भी चक्कर चल रहा है वन के साथ, तो ये मेरा क्या हो गया वन वन नहीं हुआ, मतलब एफ हो जाएगा एफ इज मेनी वन, मतलब एफ इज नॉट वन वन, यही तो हम लोग को दिखाना था। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर फोर, वो बोलता है एफ कोई फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर और एफ एक्स डिफाइंड किया गया है माइनस एक्स, तो शो करना है एफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वह वन वन भी होगा और वह ऑन टू भी होगा। तो देखिए यदि हम लोग इसको इस तरफ से हम लोग दिखा सकते हैं, कोई इंटीजर का सेट है, ये भी कोई इंटीजर का सेट है, एक फंक्शन आया यहाँ से यहाँ, तो इंटीजर में हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, माइनस टू माइनस, इधर भी आगे बहुत सारा जीरो वन टू थ्री, इधर फिर ले ले माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री इस तरह से। अब देखिए इंटीजर से हम लोग कोई भी एलिमेंट ले, यदि हम ले ले माइनस टू, कितना ले ले माइनस टू, तो एक्स नंबर लेंगे माइनस टू तो कितना हो जाएगा वह टू, माइनस वन लेंगे तो क्या होगा वह वन, जीरो लेंगे तो जीरो, वन लेंगे तो माइनस वन, टू लेंगे तो माइनस टू। आप देख सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन, क्या है तो कोडोमेन, मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हमको मिल रहा है, मतलब एक ऐसा फंक्शन हो गया वन वन फंक्शन हो गया, क्या वन वन फंक्शन। आप देख सकते हैं और इधर से जितना भी एलिमेंट है इंटीजर का कोई भी, यदि हम लोग यहाँ सेट से कोई नंबर हम लोग जो एलिमेंट लें वो क्या होगा इसका प्री इमेज हमको इसमें मिलेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा तो कोडोम जो होगा वन टू होगा, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं वन टू, मतलब यहाँ हो जाएगा रेंज ऑफ एफ बराबर हो जाएगा कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब ये क्या होगा यार ये वन टू होगा, ये तरीका होगा इस तरह से। ये दूसरा तरीका है, तो मान लीजिए लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड, तो हो जाएगा एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो हो जाएगा माइनस एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू, तो या एक्स वन बराबर एक्स टू, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ इज वन वन। और ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, लेट कर लीजिए वाई बिलोंग्स टू जेड, मतलब किसमें कोडो में, तो हो जाएगा वाई बराबर माइनस एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा वह माइनस वाई। अब देखिए कोडोमेन से हम लोग कोई भी एलिमेंट यदि लें, कोडोमेन से हम लोग कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो क्या होगा डोमेन में आएगा, मतलब हर एक एलिमेंट मतलब क्या होगा बिलोंग्स टू हो जाएगा जेड, मतलब क्या होगा एक्स बिलोंग मतलब हो जाएगा किस में, तो हो जाएगा डोमेन, तो देयरफॉर हो जाएगा एफ इज ऑन टू। और जो कोई फंक्शन जब वन वन है ऑन टू है तो देयरफॉर क्या बोलेंगे एफ इज बाइजेक्टिव, मतलब जब कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो बोलते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब वह इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, मतलब ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको जो शो करने का, देखिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वह भी उसी प्रकार से आप खुद से उसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, एकदम सेम क्वेश्चन दिया गया आपको जो मेथड लगाए, लेकिन ज़्यादा यदि एग्जाम में सब्जेक्टिव के रूप में बनाना है तो आप इस तरह से बनाइएगा। यदि आपको समझना है कि वह वन वन है ऑन टू है जल्दी में, तो आप सेट
जो है इस तरह से लेकर बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप उसी प्रकार से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 बोलता है, वो बोलता है ए एक एक सेट है जिसमें एलिमेंट कितना है, 1 2 3, तीन एलिमेंट हैं, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 एंड 5, और एफ एक डिफाइंड किया गया है। तो देन बोलता है सो दैट एफ इज नॉट 1 1 बट ऑन 2। ये भी क्वेश्चन कितना आसान है वो देखिए, 6 बोला है ए कोई सेट है जिसमें है 1 2 3, बी एक कोई सेट है जिसमें है 4 एंड 5, और एफ कोई फंक्शन है, ए है 1 4 2 5 3 5। मतलब यदि हम लोग एक डिफाइंड करें, सेट बना दें, तो इधर हो जाएगा ए, ये है 1 2 3, बी है जिसमें है 4 5। देखिए 1 का किसके साथ है, 4 का साथ रिलेशन है, 2 का किसके साथ है, 5 के साथ है, फिर 3 का किसके साथ है, 5 के साथ है। अब देखिए बोलता है शो करें कि एफ इज नॉट 1 1, क्या आप यहाँ से देख भी सकते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो 1 1 नहीं है। कैसे, क्योंकि तो देखिए 2 का भी इमेज मेरा 5 आ रहा है, 3 का भी इमेज क्या आ रहा है, 5, मतलब 2 जो है वो भी 5 से जुड़ा है और 3 भी 5 से जुड़ा है। तो बोल देंगे कि 2 एंड 3 हैव सेम इमेज दैट इज 5, देयर फोर एफ इज नॉट 1 1। क्या होगा, एफ जो है 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए देखिए जो भी एलिमेंट डिफाइंड रिलेशन फंक्शन डिफाइंड किया गया है वह 4 और 5 में है। देख सकते हैं रेंज ऑफ एफ इक्वल टू, वो है कोडोमेन ऑफ एफ, रेंज एंड कोडोमेन दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो देयर फोर क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। यही तो हम लोग को शो करना था कि एफ मेरा क्या है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। तो इसी प्रकार से आप जो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आप उसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार से आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वो है 8। बोलता है एन कोई एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ए कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 0 और 1, एफ कोई फंक्शन डिफाइंड किया गया कहाँ से, नेचुरल नंबर से, सेट ए में। कैसे डिफाइंड किया गया है, एफ ऑफ 2x बराबर है 0 एंड एफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू है 1, 2x है 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज बोलता है इज या मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ये मेरा फंक्शन है जो मेनी वन है, मतलब 1 1 नहीं है, मेनी वन है, और कैसा है, ऑन टू है। तो क्या आप देख सकते हैं मेनी वन कैसे है, मतलब 2x है यदि हम लोग नेचुरल नंबर का कोई सेट है, और जो है इसमें क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो होता है इसमें क्या क्या, अरे हाँ एक सेट है ए, तो 1 2 3 4 इधर ले लीजिए, इधर जो भी है 1, यदि हम लोग 1 लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो 2 के साथ किसका होगा 0, 1 लेंगे तो होगा 3। मतलब यदि कोई ऑड नंबर लेंगे, 1 लेंगे तो क्या होगा 2, मतलब होगा इवन नंबर, तो क्या होगा 0, 1 लेंगे तो होगा 2 2 2 और 1 3 ऑड नंबर। मतलब यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग कि ऑड नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा, और इवन लेंगे तो क्या होगा, सॉरी ऑड नंबर जब आएगा, इवन नंबर जब आएगा तो क्या होगा 0, और ऑड होगा तो क्या होगा 1, क्योंकि यदि हम लोग n बराबर 1 लिए तो क्या हुआ 2 आया, तो होगा 2, मतलब क्या आया मेरा 0, n बराबर लेंगे यदि 1 लिए तो होगा 2 और 1 3 आया तो होगा 1, मतलब 3 आया तो हुआ 1, 2 आया तो हुआ 0, यदि 2 लीजिएगा 2 2 4 इवन नंबर तो क्या हुआ 0, 2 लीजिएगा 2 2 4 5 ऑड नंबर क्या होगा वह 1, मतलब जितना भी ऑड नंबर आया वो क्या है 1 के साथ जा रहा है, और जो इवन नंबर आया वो किसका जा रहा है 1 के साथ जा रहा है। मतलब
यहाँ से इतना जो हम लोग को यहाँ सॉरी यहाँ क्या हो गया, उल्टा लिख दिए, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसा, और ये हो गया ए सेट, ये होगा 0 और 1। यदि इवेन नंबर होगा तो क्या होगा वह 0, और ऑड नंबर होगा तो क्या हुआ 1 हुआ। मतलब देख सकते हैं कि यहाँ की एक ही एलिमेंट का जितना भी इवेन नंबर है, जितना इवेन नंबर का सभी का क्या रहा है मेरा सेम इमेज आ रहा है, क्या चीज़ 0। मतलब यहाँ जितना भी इवेन नंबर है सिंस डिफरेंट एलिमेंट, और ले सकते हैं क्या होगा डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट से 2 4 6 डॉट 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 आगे जो है हैव सेम इमेज, क्या आ गया 0। जितना भी डिफरेंट एलिमेंट क्या गया सेम इमेज 0 आ गया। आज जितने भी डिफरेंट एलिमेंट यदि लेंगे ऑड नंबर लेंगे तो क्या आएगा मेरा 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं क्या है? जब एक ही दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज आया तो क्या होगा एफ इज हो जाएगा मेनी 1। अब 1 2 दिखाने के लिए आप देख सकते हैं इसका जो हर एक एलिमेंट जो को डोमेन जो है का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज कुछ ना कुछ क्या है मिल रहा है कहाँ, तो डोमेन में नेचुरल नंबर में। तो देख सकते हैं यहाँ पे रेंज ऑफ f बराबर है क्या चीज़ है को डोमेन ऑफ f, देयरफॉर क्या हो गया f इज 1 2। यही तो हम लोग को शो करना था कि f शो करें कि f जो है मेरी 1 है और f जो क्या है 1 2 है। मेन था इसको समझना कि n बराबर 1 लेंगे तो इवेंट नंबर हुआ 2 आया, तो इवेंट नंबर तो 0 और ऑड होगा तो 1। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हम लोग का हो गया कंप्लीट, और इसके साथ और आगे जो पीछे जो क्वेश्चन छोड़े हुए आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और जो बचे हुए जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।